जैसे ही हम मेन सप्लाई ऑन करेंगे, डिस्प्ले पे हमें वोल्टेज और ऑफ लिखा हुआ इंडिकेशन मिलेगा। हमारी मोटर का नॉर्मल करंट कितना है वो हमें चेक करना पड़ेगा, जिसके लिए हम ग्रीन बटन से पैनल को स्टार्ट करेंगे। ये जो करंट दिख रहा है वो हमारी मोटर का नॉर्मल करंट हुआ। हम रेड बटन दबा के पैनल को स्टॉप करेंगे। सेटअप का मेनू खोलने के लिए सेट की को हमें 2 सेकंड तक दबाना है। तो सबसे पहले हाई वोल्टेज का ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आप ग्रीन बटन से वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और रेड बटन से आप वैल्यू को कम कर सकते हैं। सेट हो जाने के बाद सेट की को एक बार प्रेस कीजिए। उसके बाद लो वोल्टेज का ऑप्शन खुलेगा, जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ग्रीन बटन से वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और रेड बटन से आप वैल्यू को कम कर सकते हैं। सेट हो जाने के बाद सेट की को एक बार प्रेस कीजिए। उसके बाद आता है ओवरलोड का ऑप्शन। ओवरलोड हमें हमारी मोटर का जो भी नॉर्मल रेटेड करंट था उससे 20% ज़्यादा रखना है। सेट हो जाने के बाद सेट की को एक बार प्रेस कीजिए। उसके बाद ड्राई रन का ऑप्शन खुलता है, जिसमें बाईपास फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आपको यूज़ नहीं करना ड्राई रन प्रोटेक्शन तो आप बाईपास कर सकते हैं, और अगर यूज़ करना है तो हमारा मोटर का जो नॉर्मल रेटेड करंट था उससे 20% कम सेट करना है। सेट हो जाने के बाद सेट की दबानी। उसके बाद मोड का ऑप्शन खुलता है, मोड जिसमें 2 मोड रहते हैं, मैन्यूअल और ऑटो मोड। अगर आपको मोटर मैनुअल मोड यानी कि आपको अपने हिसाब से शुरू और बंद करनी है तो आप मैनुअल मोड सिलेक्ट करके सेट बटन दबाइए। ऑटो फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है, जिसमें ऑटो ऑन या ऑटो ऑफ आप दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑटो ऑफ फंक्शन यूज़ करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे ऑफ सेट करके सेट की दबा के ऑटो ऑफ टाइम मिनट में सेट करके सेट की दबाइए। अगर आपको ऑटो ऑन फंक्शन यूज करना है तो डिस्प्ले पे ऑन सेट करके सेट की दबाइए। ऑटो ऑन का टाइम मिनट में सेट करके सेट की दबाइए।